अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल फैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शहर को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एक दरिया के ऊपर आबाद है। जी हाँ, इस शहर की कुल आबादी दरिया में मौजूद है। इस शहर के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी किश्तियों के ऊपर करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हर घर की सवारी गाड़ी या मोटरसाइकिल होता है, हाँ हर शख्स ने अपनी अपनी एक किश्ती रखी हुई है जिससे वो अपने रोज़मर्रा के काम करता है। वो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि ये शहर कहाँ है, इसकी कितनी आबादी है और ये शहर क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच। एडियाटिक की मलका, पानियों का शहर, फूलों का शहर और रोशनियों के शहर के नाम से जाना जाने वाला दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर, इसका नाम है वीनस। ये इटली में वाक़ है। ये इटली के शुमाली इलाके जात में वाक़ है। इटली ने इसको एक सूबे का दर्जा दिया है जिसके ज़ेर इंतज़ाम 44 कस्बात आते हैं। शहर की आबादी 2004 में 271,251 थी और इसका रकबा 412 मुरबा किलोमीटर था। अगर हम इस शहर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो तारीखी दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी की वजह से शहर की इब्तदा के बारे में कुछ भी लॉजिकल नहीं कहा जा सकता। तहम दस्तियाब मालूमात तारीखदानों को इस बात पर मुत्तफिक करती हैं कि शहर का आबादकारी रोमी सल्तनत के मुख्तलिफ शहरों से बेदखल किए जाने वाले लोग यहाँ आकर बसना शुरू हो गए। 16वीं सदी ईस्वी में वीनस का शुमार यूरोप के मशहूर तरीन मौसीकी के मराकज़ में किया जाता था, जहाँ एड्रियन विलार्ट और इनके जैसे कई दीगर मौसीकारों ने वेनिशियन पोल क्रूल की तर्ज में मौसीकी मुरतब की। इसका शुमार उन शहरों में होता है जहाँ से मौसीकी के तहरीरी काम का आगाज़ हुआ और इसकी वजह से यूरोप के कई इलाकों, ख़ास तौर पर फ्रांस और फ्लैंडर्स से मौसीकार वेनिस की तरफ खींचे चले आते हैं। इसमें मेले और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। वीनस आर्ट बिनाले साल का सबसे बड़ा मेला है। वीनस आर्ट बिनाले साल का सबसे बड़ा मेला है। इसका आगाज़ 1893 में उस वक्त के शहरी नाजिम कार्डो की सरबराही में शहरी कौंसिल ने करारदाद मंजूर करके किया। तय पाया कि 22 अप्रैल 1894 से हर दो साल के बाद तालवी फनून लतीफ़ा के दो साल नुमाइश का इनाकाद किया जाएगा। दूसरी जंग अजीम की तबाहियों में ये नुमाइश तातील का शिकार हो गई, जिसको 1948 से दोबारा शुरू किया गया। अपनी नहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। शहर 118 जज़ीरों पर मुश्तमिल आर्क के इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनको 150 नहरें जुदा करती हैं। जिन जज़ीरों पर शहर आबाद है उनको लगभग 400 पुलों के ज़रिए मिलाया गया है। पुराने शहर में नहरें ही सड़कों और गलियों का काम सरंजाम देती हैं और हर किस्म की आमदोरफ्त पानी पर या पैदल होती है। 19वीं सदी ईस्वी में शहर को रेलगाड़ी के जरिए बाकी इटली से मिलाया गया और वीनस रेलवे स्टेशन तामीर किया गया, जिसके बाद 20वीं सदी में बजरिया सड़क आमदोरफ्त का आगाज़ किया गया और शहर तक सड़क और पार्किंग बनाई गई। शहर में शुमाल से दाखिले के लिए इन खुश्क रास्तों के अलावा शहर में बकिया तमाम आमदोरफ्त सदियों पुरानी और रिवायती है, जो पानी पर या पैदल है। वीनस यूरोप का सबसे बड़ा कार फ्री शहरी इलाका और कारों ट्रकों के बगैर काम चलाने वाला यूरोप का अपनी नौयत का वाहिद शहर है। आमदोरफ्त के इस्तेमाल होने वाली रिवायती कश्ती गोंडोला कहलाती है। जो आजकल ज़्यादातर सियाहत, शादी ब्याह और दीगर रिवायती तकारीब के लिए इस्तेमाल होती है। उमूमी आमदोरफ्त अब मोटर से चलने वाली मोटर बसों पर है, जिन्हें मुकामी वापोरेटो कहते हैं, और ये वाटर बसें शहर की नहरों पर ऐसे ही चलती हैं और आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करती हैं जैसे बड़े शहरों में आम बसें। इनके अलावा पैदल आमदोरफ्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली पुलों के ज़रिए होती है। हवाई सफ़र के लिए वीनस को नए तामीर शुदा मार्को पोलो बैन अवी हवाई अड्डे की खिदमात हासिल हैं, जिसका नाम वीनस की मशहूर शख्सियत मार्को पोलो के नाम पर रखा गया। हवाई अड्डा साहिल से कदरे फासले पर खुश्की पर तामीर किया गया है। ताहम वाटर बसें सिर्फ 7 मिनट में मुसाफिर को शहर से हवाई अड्डे तक पहुंचा सकती हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग वीनस सिटी, जो कि इटली में वाकई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कैंडी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।